दोस्तों, अगर आप लोग यूपी स्कॉलरशिप का फ्रेश का फॉर्म भरने जा रहे हो तो फॉर्म में आपको एक स्टेप कंप्लीट करना है, डिजी लॉकर वेरिफिकेशन वाला। ये स्टेप सभी स्टूडेंट को कंप्लीट करना होगा, चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, लाइक 9th, 10th, 11th, 12th, BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc वगैरह, किसी भी कोर्स का अगर आप लोग फ्रेश का फॉर्म भर रहे हो तो आपको डिजी लॉकर वेरिफिकेशन वाला स्टेप कंप्लीट करना होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर एक स्टेप दिख रहा होगा, डिजी लॉकर से सत्यापन करें। ये वाला स्टेप सभी स्टूडेंट को कंप्लीट करना है फ्रेश फॉर्म भरने के लिए। यहाँ से क्या होता है कि आपका आधार कार्ड कैच किया जाएगा, वहाँ से आपका फ़ोटो ले लिया जाएगा फॉर्म के लिए, ठीक है। आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना होता है स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड किस तरह से वेरीफाई करना है, किस तरह से आपको ये स्टेप कंप्लीट करना है, इससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। मोबाइल फ़ोन से भी आप लोग कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह से भी आप लोग कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरह से आपको कंप्लीट इसको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिजी लॉकर की आईडी बना लेनी है, ठीक है। डिजी लॉकर की आईडी बनानी है, फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को ओपन करना है, फिर यहाँ से डिजी लॉकर की आईडी को साइन इन कर लेना है, ठीक है। अब किस तरह से करना है ये कंप्लीट मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को डिजी लॉकर सर्च करना है, यहाँ से डिजी लॉकर ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देखते रहेंगे, कोई भी लैंग्वेज आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको लेट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा गेट स्टार्टेड का ये बटन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा क्रिएट अकाउंट, इस वाले बटन पर आप लोगों को अब क्लिक करना है, ठीक है। इस वाले बटन पर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए, आपको यहाँ से अपनी डिजी लॉकर की आईडी बनानी है, ठीक है। यहाँ से आपकी डिजी लॉकर की आईडी बनेगी, किस तरह बनेगी आप लोग यहाँ पर देखें। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है, वही फुल नेम डालना है जो आधार कार्ड पर लिखा हो। इसके आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, बिल्कुल राइट वाली। अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, वो जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो वो वाला। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको इसी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक 6 डिजिट का पिन बनाना है, आप लोग 6 डिजिट का पिन बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो आप लोग, फिर 1 1 1 6 बार कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से आप लोग पिन बना सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर हमने अपनी इन्फॉर्मेशन भर दी है, आप लोग भी इस तरीके से यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। इसके बाद में आप लोगों को सबमिट वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा, अब ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है, 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब ओटीपी डालने के बाद में आपको सबमिट वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड को आप लोग सेव भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों को अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना होगा। अब इस तरीके से आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब दोबारा से आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा, आप लोगों को वो ओटीपी यहाँ पर डालना है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में आप लोगों को सबमिट वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, आधार यूज़र नेम। तो मोबाइल नंबर या फिर आधार, दोनों किसी भी तरीके से आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं आधार नंबर से। यहाँ पर हमें आधार नंबर डालना होगा और यहाँ पर 6 डिजिट का पिन डालना होगा जो हमने बनाया है। तो आप भी इस तरीके से अपने आईडी को लॉगिन करेंगे। अब आपके फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप लोग को यहाँ पर डालना है, फिर आपको दोबारा सबमिट पर क्लिक करना है। हो चुका है, आपका जो अकाउंट होगा वो साइन इन हो जाएगा। आपको सबसे ऊपर ऐप में आपका फ़ोटो भी शो हो जाएगा, आपके आधार कार्ड का नंबर भी शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर आधार वेरीफाइड करने का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको गेट नाउ का एक बटन मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक करके अपना जो आधार कार्ड है वो वेरीफाइड कर लेना है, ठीक है। आपको अपने आधार कार्ड डिटेल भर के और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपने आधार को वेरीफाइड कर लेना होगा। अब आपका आधार कार्ड डिजी लॉकर से वेरीफाइड हो चुका है, आपका अकाउंट भी डिजी लॉकर में बन गया है। अब आपका डिजी लॉकर का अकाउंट बन गया है, अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इस 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों को जाना है डिजी लॉकर वाले इस ऑप्शन पर। अब आपको यहाँ से अपना फॉर्म सत्यापन करना है। अब आपको इस पर क्लिक करना है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। अब आप लोग यहाँ से करेंगे, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे के बाद में आप लोग यहाँ पर देखेगा क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरीफिकेशन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, ये आपका फ़ोन नंबर रहेगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर डालना है। चेक कोड डालने के बाद में आप लोगों को इस वाले बॉक्स पर इस तरीके से टिक कर देना है। अब टिक करने के बाद में आपको दिख रहा होगा जनरेट ओटीपी, इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब आपके फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा, जो फ़ोन नंबर आपका फॉर्म में डाला हुआ है जो आपने अभी यहाँ पर डाला है। अब ओटीपी यहाँ पर हमने अपना डाल दिया है, आप लोग भी यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आप लोग यहाँ पर दिख रहा है वो आप लोगों को इस वाले कॉलम में डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक कर देना है इस तरीके से, और टिक करने के बाद में आपको सबमिट ओटीपी वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइन इन टू योर अकाउंट। अब अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लोग मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर डालकर यहाँ पर अपने डिजी लॉकर के अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है डिजी लॉकर पर तो आप लोग नई आईडी बना सकते हैं। अब तो पहले आप लोग अपना डिजी लॉकर का अकाउंट बना लें, ठीक है। इसके बाद में डायरेक्ट आप लोग यहाँ से लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद में फॉर्म भरने से पहले आप लोग डिजी लॉकर का अकाउंट बना लें। इसके बाद में यहाँ पर जब आप लोग आओगे तो अपना फ़ोन नंबर या फिर आधार नंबर डालकर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके अपना लॉग इन कर लेना। तो मैं यहाँ पर अभी आपको अपना डिजी लॉकर का अकाउंट यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड से अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर उसका 6 डिजिट का पिन डाल दिया है जो कि मैंने अकाउंट बनाते समय बनाया था, ठीक है। आपको लोगों को भी इसी तरीके से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा साइन इन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग साइन इन पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा और इसके बाद में आप लोगों को सबमिट पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विद यूपी स्कॉलरशिप। तो देखिए यहाँ पर आपका आधार कार्ड ऑलरेडी सिलेक्ट है, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी यहाँ पर सिलेक्ट है, लेकिन पैन वेरिफिकेशन को आपको यहाँ पर हटा देना है। केवल आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना, क्योंकि आपको आधार की इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी है, ठीक। तो आपको केवल इसको ही सिलेक्ट रहने देना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आपको दिख रहा होगा अलाउ का ये बटन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड शो हो जाएगा, ठीक है। आपका आधार कार्ड कैच कर लिया गया है, यहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह आधार कार्ड डिटेल वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेरीफाई डिटेल, इस पर आप लोगों को एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद में आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप लोग दोबारा 3 लाइन के साइन पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजी लॉकर सत्यापन करें ये वाला ऑप्शन कंप्लीट फिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपने फॉर्म को डिजी लॉकर से वेरीफाई करा सकते हो। बिल्कुल सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, इस तरह से आपका ये स्टेप कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसे कम्प्लीट करने में कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।